بسم الله الرحمن الرحيم. यहूदी था, बाद में क्या बना? मुसलमान बना. अबू हुरैरा यहूदी था, बाद में मुसलमान. वहाब इब्ने मुनब्बा यहूदी था, बाद में मुसलमान बना. अब्दुल्लाह इब्ने सलाम, उसको तो शिया बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं. हम पर तो इल्ज़ाम है ना कि शियत को बनाया किसने? अब्दुल्लाह इब्ने सलाम याद है, ये तीनों याद नहीं है. एक यहूदी इनको याद है कि इसने शियों को बनाया, लेकिन ये तीन बड़े यहूदी, यानी आज इमाम अबू हुरैरा कहा जाए, हुरैरा कहा जाता है. आप कुछ बात करें, बहुत मुकद्दस सहाबी है. अबू हुरैरा से जितनी अहादीस, इनकी छः किताबें हैं और उन छः में से सबसे मुस्तनद सही है ना, सबसे ज़्यादा रिवायतें अबू हुरैरा से हैं. यहाँ तक तारीख की किताबें लिखती है. जनाब आयशा ने कहा कि अबू हुरैरा तुम इतनी रिवायतें नकल करते हो, मैं नबी की जोजा, मैं घर में साथ, मैंने भी नहीं सुनी. और तुम, हमने कभी तुमको नबी के साथ अकेला भी नहीं देखा, तुम सबके साथ थे, लेकिन बातें ऐसी कर रहे हो जो बिल्कुल किसी ने नहीं सुनी. यानी चार लोग मेरे साथ हमेशा घूमते रहे हैं और किसी ने किसी को मेरे साथ अकेला भी ना देखा, और ऐसी बात करे कि हमने नहीं सुनी. तो इन्होंने जनाब आयशा की तोहीन की. वो जुमले में मेंबर पे बयान नहीं कर सकता, और अगर हम में से कोई करे उसे शायद फांसी भी हो जाए, लेकिन इन्होंने तोहीन की. उसको छेड़ना नहीं आए, सहाबा ने जो किया, उनके बीच में जो हुआ, मुशाजरात सहाबा जो थे, उनको छेड़ना नहीं. ये जुमूद फिक्री है कि इंसान को सोचने से रोका जाता है. भाई हमारी किताबें ओपन है, हमारे अकीदे ओपन है, आप आओ, सवाल करो, जवाब लो और चले जाओ. यही फिक्र अहलुबैत थी जिसने शियत को जिंदा रखा, और यही कमाल मकतब अहलुबैत था कि आज अगर मजलिस में 100 लोग हैं, दुनिया देखती है 10 साल के बाद ये 500 हो जाते हैं. शियत कितनी थी पाकिस्तान में, दिन ब दिन आप बढ़ क्यों रहे हैं? इसी वजह से, क्योंकि आपके पास अल्लाह ने फिक्र दी है, अक्ल दी है, और सवाल करने की इजाजत है. सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद. अब एक वाकया तो आप सबने सुना हुआ है, जनाब अबू हुरैरा का, किनका एक दोस्त आया अक्का से. अक्का कहाँ पर है? आज की इसराइल में. यहूदी जाहिर है, अक्का से आया तो यहूदी था ना. अब इनका दोस्त था, क्योंकि ये भी पहले यहूदी थे. गर्मी का मौसम था, अक्का के प्याज लाए. हाँ, तो कहा भाई गर्मी बहुत है, सारे प्याज ख़राब हो रहे हैं, मेरी मदद करो, दोस्त किस लिए हो? इन्होंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है. मिंबर पर गए और इन्होंने पढ़ा, मन अकल बसल अक्का फिल मक्का, जिसने अक्के की प्याज खाई मक्के में, वजब लहुल जन्ना, उस पे जन्नत क्या है? वाजिब है. और मुसलमान तो जन्नत का भूखा है. एक शिया को मारो जन्नत, दो को मारो माँ बाप भी जन्नत में, तीन को मारो सारा खानदान जन्नत में. भाई खुदा ने कोई ब्लैंक चेक रखा हुआ है? हाँ, है कोई मुसलमान जो कहे खुदा ने एक ब्लैंक सिग्नेचर करके हमें चेक दे दिया है? न किसी सहाबी को दिया, न किसी मुसलमान को चेक दिया है. जन्नत जाओगे अपने अमल की बुनियाद पर. कहते हैं इतनी जल्दी इसकी प्याज बिक गई कि लोग रेड़ी भी ले गए, कि जिस रेड़ी पे प्याज पड़ी उसके खाने से आदमी जन्नत में जाएगा. तो ये आलम था, ये जुमूद फिक्री उस जमाने के थी. मोहब्बत रसूल से, आज मोहब्बत है कि नहीं रसूल खुदा से? लाहौर में एक बाल रखा हुआ रसूल खुदा का, रश जाकर देखिए. पता नहीं वो जूती कहाँ से मिली है, नबी की थी भी कि नहीं. इतने साल गुजर गए लेकिन एक जूती इनको तुर्की से मिली, और उसकी पिक्चर बना के सरों पे नबी की जूती. शेर पढ़ते हैं, मीठे मीठे मदीने की गलियाँ, मीठा मीठा मदीना, स्वीट स्वीट मदीना. अब स्वीट मिठाई होती है, शहर थोड़ी होता है. अब मोहब्बत है, मोहब्बत का इजहार मुसलमान कर रहा है. पगड़ी नबी जैसी, मिसवाक रखते हैं नबी जैसा, कमीज़ें लंबी पैजामे ऊपर करते हैं, मोहब्बत में कर रहे हैं. हमें भी पता है ये मोहब्बत में कर रहे हैं. जब अक्ल व अक्लानियत वजूद से ख़त्म हो जाती है, तभी इंसान कातिल बन जाता है, तभी करबला बपा होती है.